नमस्कार दोस्तों, ये किसी भी ट्रॉली की मापी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला है। चाहे ट्रक की ट्रॉली की मापी कर रहे आप या फिर ट्रैक्टर की ट्रॉली की मापी कर रहे, इसमें रिजल्ट एक बराबर आता है। आपकी रिजल्ट फीट में जो आते हैं, जिसके अनुसार से पैसे देते हैं। दोस्तों, इसमें कई बार बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसके कई एक फार्मूला आप अपने जगह पे सही भी होते हैं, फिर भी खरीदारी करने में आपको दिक्कत की सामना करना पड़ जाता है। कई एक जगहों पे आपको देखते हैं पूरा कैलकुलेशन को 1584 से भाग देते हैं, तो फिर कई एक जगहों पे 1440 से भाग देते हैं, तो फिर कई एक जगहों पे 1728 से भाग देते हैं। ये क्या है पूरी फार्मूला का राज, पूरी बेसिक से हम समझ जाएंगे और आपको भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे बालू में चोरी करते हैं लोग, कैसे गिट्टी में चोरी करते हैं लोग, उस पूरे मेथड के साथ आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लाजमी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो सारी बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में आप उस फार्मूला को समझ गए रहेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ट्रॉली है, बड़ा ट्रॉली छोटा ट्रॉली जो भी हो, इसकी LBH लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस तीनों की माप को ही कैलकुलेशन हम करते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई 14 फीट 2 इंच। तो आइए यहाँ पे एक ट्रॉली लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। यहाँ पे मान ले इस ट्रॉली की लंबाई 14 फीट 2 इंच है, चौड़ाई 7 फीट 4 इंच है और ऊंचाई 4 फीट 3 इंच है, जिसे गहराई भी बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों L, B और ये H, ये तीनों पता हो गया। तो यहाँ पे एक बार अब लिख लेते हैं, लंबाई इज इक्वल टू 14.2 यानी 14 फीट 2 इंच, चौड़ाई इज इक्वल टू 7.4 यानी 7 फीट 4 इंच, ऊंचाई हाइट यानी गहराई, जितना मटेरियल उस ट्रॉली में भरा रहता है उसकी गहराई 4 फीट 3 इंच। दोस्तों, ये फिट और इंच में ये हमारी माप आई है। आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसे या तो फिट में पूरा बदल लेना होगा या फिर इंच में। आसान रहता है कि इंच में पहले बदल ले। तो आपको पता है कि 12 इंच में एक फिट होते हैं, तो हम यदि इस फिट में 12 से गुना करेंगे तो इंच में हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये फिट है, ये इंच है, फिट है, इंच है। 14 फीट में यदि 12 से हम गुना करते हैं तो 168 इंच हो जाता है, और प्लस 2 इंच पहले से माप का था, जोड़ देते हैं, 170 इंच फाइनल हो गया। 7 फीट में 12 से गुना करते हैं तो 84 इंच हो गया, प्लस पहले का 4 इंच है, तो इस प्रकार से 88 इंच हो गया। ये सारे इंच हैं। यहाँ पे 4 फीट में यदि 12 से गुना करते हैं तो 12 चौके 48, प्लस 3 इंच और कर दिए तो यहाँ पे 51 इंच हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि LBH का फर्मूला लगता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दोस्तों, लेकिन हमारी जो रेट तय होती है वो फीट में ही तय होती है, यानी क्यूब फीट में हमारी रेट तय होती है। तीनों के हम ऐसे गुना कर दें 170, 88 और 51 का, तो इंच में आएगा, परंतु हमें उसे फिर फीट में बदलना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आसान करने के लिए साथ ही साथ हम फीट में भी बदलते चले आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे LBH का, तो यहाँ पे लंबाई हमें प्राप्त हो गया है 170 इंच। तो जैसे हमने इसे फीट से लंबाई में बदलने के लिए 12 से गुना किया था, वैसे ही इंच से फीट में बदलने के लिए 12 से भागा कर दिए, यानी कि अब ये हो गया 170 बटा 12 फीट गुना किए। फिर हमारे अब ऊंचाई लिखना है, ऊंचाई 88 इंच हो गया, 12 से भाग दे दिए, फीट हो गया। गहराई 51 इंच हो गया, 12 से भाग दे दिए, ये फिट हो गया। अब आपको एक आसानी लग रहा होगा, कैलकुलेशन आप आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब समझने वाली बात आती है, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि 1728 1440 1584 से भाग क्यों देते हैं, जबकि आपको पता है कि ओरिजिनल मैथमेटिक कैलकुलेशन आपके सामने है। तो चलिए उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को हम यदि गुना करते हैं तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आता है 762960, यानी कि 7,62,960 इंच आते हैं।
अब हमें इसे यदि फिट में बदलना है तो 12 × 12 का हमें गुना देना होगा और उससे भाग देना होगा, तो 1728 का भाग पड़ता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कई एक जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई होते हैं 1728 वाले, यानी कि आप जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि हम आपको 12 × 12 का मापी देंगे, यानी कि आपको ये वाले मापी देंगे। इस प्रकार से आपको ये होता है 441 क्यूब फिट, आपको ये 441.52 आता है कुछ, इतना आपको क्वांटिटी कुल मिलता है बालू या गिट्टी जो भी हो। परंतु दोस्तों कई एक जगह पे आप ख़रीदारी करते हैं 12 × 12 × 11 की मापी मिलती है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 1584 का भाग देना होता है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 481, यानी कि आपकी क्वांटिटी कुछ बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा रुपए आपके खर्च करने पड़ते हैं। और कई एक जगहों पे बालू की आप ख़रीदारी करते हैं तो वहाँ पे भी 12 और यहाँ पे इस 11 के जगह पे, यानी कि इस 12 के जगह पे 10 करते हैं लोग, यहाँ पे 10 की मापी होती है, तो इस प्रकार से आपकी वही मापी कहलाती है। आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख दे, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे, 10 की मापी होती है, तो ये मापी आपकी हो जाती है 1440 की, यही मापी 1440 की हो जाती है। आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख ले, तो 1440 वाला यदि रिजल्ट देखे तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है, तो आपको फाइनल रिजल्ट होता है 529.83। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको किसी जगह पे जाके यदि खरीदते हैं तो जो चीज़ 441 क्यूब फिट होती है वही चीज़ आपको किसी जगह पे 529, यानी कि इतने बढ़ जाते हैं, लगभग 70-75 क्यूब फिट के रेट आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं, यही कमी नहीं होती है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि ये मापी का अंतर है, 1584 क्या है, 1440 क्या है और 1728 जो कि ओरिजिनल एक माप हो गई। तो आपको ये व्यापारी लोग की पहले ही तय करते हैं कि हम आपको 12 × 12 × 12 की मापी देंगे या फिर 12 × 12 × 11 की मापी देंगे या फिर 12 × 12 × 10 की मापी देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।